हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया है। मंत्री सारंग ने व्यवस्थाओं में कमी को देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में तीन विभाग ENT, नेत्र रोग और पीडियाट्रिक विभाग शिफ्ट किए गए हैं। नई बिल्डिंग में OPD शुरू की गई है। वहीं इस बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संभागायुक्त गुलशन बामरा, GMC डीन डॉक्टर अरविंद राय, हमीदिया अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी मौजूद थे। देखिए, ये अभी हमारा ट्रायल रन है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस व्यवस्था को हम एक प्रकार से उसका रिहर्सल करें। इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे तीन विभागों की OPD हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभियान हमारा फर्नीचर आना है, इक्विपमेंट्स आने हैं, तो ये हमारा ऐसा निर्णय है जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस पूरी बिल्डिंग के लेआउट में, इसकी जो हमारा फ्लो है उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। उसको लेकर एक ट्रायल रन शुरू किया है। आज मैंने देखा है जो जो कमियां हैं उस पर अभी विचार करेंगे और जल्द से जल्द पूरी तरह से यहाँ पर ये विभाग संचालित हो सके उसकी व्यवस्था हम, हाँ, जो कमी है उन पर हमने ध्यान दिलाया है और उसी के बारे में अभी हाल मीटिंग करके उन सब कमियों को दूर करेंगे। देखिए, क्योंकि कोरोना के कारण निश्चित रूप से डिले हुआ है, अब सभी काम चुस्त दुरुस्त तरीके से फिर से फुल फ्लेज्ड शुरू हुए हैं। हमें जल्द उम्मीद है और आज हम एक कैलेंडर भी मैं बना रहा हूँ और कैलेंडर का पालन रोज होगा और उसकी हर हफ्ते मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कितनी अवेयर है ये इस प्रोजेक्ट से हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है। अस्पताल सुव्यवस्थित हो, सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हों, यह हमारी कटिबद्धता है। और इसीलिए, क्योंकि अभी सामने की दो बिल्डिंग बनने में समय था, ये बिल्डिंगें लगभग बनकर तैयार हुई हैं और इसकी हमने इसीलिए ट्रायल रन किया। देखिए, टोटल मिलाकर तो यहाँ 24 विभाग काम करते हैं, उसमें से केवल तीन विभागों को इसीलिए भेजा जिसमें कि हम इस पूरी व्यवस्था। दौरे के दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने व्यवस्थाओं में कमी को देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात, MP न्यूज के साथ।